हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो जिस तरह से मैं 2 दिनों से आपके लिए एक वीडियो एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, तो जिस तरह से मैंने मार्केट को रिकमेंड किया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा। कल भी मैंने आपको जो है लेवल दिया था कि निफ्टी जो है 17,175 तक का जो है एक अपर टारगेट दिया था, तो आज मार्केट ने 17,153 तक का उसने हाई लगाया। ठीक है, और बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, लेकिन उतना ऊपर नहीं गया जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन ऊपर है। तो अभी इस वीडियो में हम जो है एनालिसिस करेंगे कि फर्दर क्या स्कोप है, कितना ऊपर जा सकता है निफ्टी निफ्टी बैंक, जो आपको ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद क्या क्या कौन कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जो जिसमें एक पोटेंशियल है, न्यूज़ भी है, सेंटिमेंट भी है, पॉजिटिव है, जिसमें आपको पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्टॉक्स लेके आए वो लेके आए हूँ मैं, जिस पर हम एनालिसिस करेंगे और मार्केट को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो इंगेजमेंट बढ़ाइए, और वीडियो के एंड में हम आपको होमवर्क भी देंगे, उस होमवर्क को भी आप जो है कम्प्लीट कीजिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखो कि मार्केट जो है आज भी जो है एक बुलिश कैंडल बना है। 3 दिनों से मार्केट जो है निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, ये बताता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कल भी ऊपर ही जाएगा, परसों भी ऊपर जाएगा, ट्रेंड ऊपर है। ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम का मीनिंग होता है कि जो है आने वाले समय में और ऊपर की लेवल आपको दिख सकता है इसमें। तो ये अभी इमिडिएट कहाँ तक जाएगा, तो इमिडिएट मुझे लगता है कि निफ्टी जो है 17,225 से लेके 250 तक हो सकता है कि वहाँ पे एक थोड़ी सी एक हाई बना के हल्का सा प्रॉफिट रुकनी आए। ठीक है, थोड़ा सा हल्का पॉज कर सकता है निफ्टी, लेकिन ऊपर जो है 17,500 के लिए टारगेट ओपन है। ठीक है, तो इसमें आप दो एक छोटा सा सपोर्ट आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। तो 17,015 एंड 16,980 दो क्रूशल सपोर्ट है, जहाँ पे मार्केट जो है एक जो है सपोर्ट ले सकता है। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंडिंग है, काफ़ी ऊपर आने वाले समय में काफ़ी ऊपर का हाई आपको दिख सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक 36,424 पे उसने आज क्लोज़ किया है। तो उसमें निफ्टी बैंक में भी जो है आज निफ्टी बैंक ने एक इंडिसिव कैंडल बनाया है, डोजी बनाया है, तो वो भी एक हायर टॉप है बना रहा है और एक इंडिसिव कैंडल बनाया है। कल देखना है, कल जो इसका हाई है वो 36,550 ऑलमोस्ट 550 का हाई है। यदि 550 हाई के ऊपर क्लोज करता है तो एक बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। तो मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज़ करेगा। तो यदि ऊपर जाता है तो ऊपर में दो पोटेंशियल टारगेट है, 36,900 एंड 37,250। ये दो पोटेंशियल टारगेट हैं जिसके लिए मार्केट निफ्टी बैंक ट्रेंडिंग है, और उसमें एक दो जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, वो 36,165 एंड 36,015। ये दो क्रोशियल सपोर्ट हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। तो काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसको फॉलो करके पैसा बनाते हैं। तो ये सारा जो है लेवल है, मैं इस लेवल में कुछ भी यदि स्कोप रहेगा एडजस्टमेंट का, किस तरह से रात भर में जो मार्केट एडजस्ट होता है, कल मॉर्निंग किस तरह से मार्केट खुलता है, तो खुलने से पहले जो है एवरी मॉर्निंग जो है मैं एक अपडेटेड लेवल आता हूँ, वो मैं अपने फ्रंट पेज पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे डालता हूँ। सारा लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, ताकि हमारा जो रिकमेंडेशंस का है आपको मिल जाए, और पेड रिकमेंडेशन चाहिए तो फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टॉक्स की बात करें तो मार्केट आज भी काफ़ी बुलिश था, काफ़ी हर तरफ जो है ऑलमोस्ट तेज़ी थी। तो इसमें जो है एक स्टॉक जो न्यूज़ में है वो है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल स्टॉक जो है उन्होंने इन्होंने अनाउंस किया है कि फ़ंड रेज करेगी 21,000 करोड़ का फ़ंड रेज QIP के थ्रू जो है, राइट इशू के थ्रू जो है फ़ंड रेज करेगी 21,000 करोड़ का। तो वो एक यू न्यूज़ है। और दूसरा न्यूज़ है कि गूगल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये उन्होंने ये भारती एयरटेल ने कन्फर्म किया है। तो जब आपको लगे कि न्यूज़ भी है और मार्केट में टेक्निकल्स भी आपको दिख रहा है, मतलब मार्केट में प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो आज स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई पे उसने क्लोजिंग किया है। तो यदि हम भारतीय एयरटेल को देखें तो भारतीय एयरटेल
अपने जो जितना भी ऑल टाइम हाई है मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ किया। ये बता रहा है कि स्टॉक में कोई न्यू स्टोरी बिल्डअप हो रही है जो स्टॉक को यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। हालांकि स्टॉक जो है थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग स्टॉक है, काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाता है ऑनगोइंग ट्रेंड में। तो यदि आप वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो इस स्टॉक में आप लेवल ला सकते हैं। तो इस स्टॉक में एक न्यू स्टोरी बन रही है, तो स्टॉक ऊपर लेके जा सकता है आपको। तो इसमें जो है हमने दो पोटेंशियल टारगेट दिया है आपको। अभी 661 पर क्लोज़ कर रहा है, 700 से लेकर 735 का टारगेट लेकर काम कर सकते हैं, और 635 एंड 580 एज ए सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ये टारगेट है। लेकिन जैसे मैंने बोला, बी कॉशियस, ये स्टॉक जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाता है। उसके बाद एक स्टॉक है ग्लोबस स्प्रेड्स, ये स्टॉक जो है एक अननोन स्टॉक है, आपको जो है वेरी फ्रिक्वेंटली आप नहीं देख पा रहे, छोटी सी स्मॉल कैप की स्टॉक है। तो ये 3000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका, लेस दैन 3000 करोड़ है। तो ये स्टॉक जो है ना काफ़ी जो है एक स्टॉक कुछ महीनों से जो है मोमेंटम में रहा है, और इसमें और आगे स्कोप दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। ये रफली 3 महीनों में ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया है। तो इसके जो अर्निंग है, आउटलुक है, पॉजिटिव है, चल रहा है स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, पैसा कंपनी बना रही है। तो स्टॉक में जो है एक साल में ऑलमोस्ट 451% रिटर्न दिया है। तो आपको यदि एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस है, तो आप कमेंट कीजिए, तो इस पर हम एक डिटेल एनालिसिस बनाएंगे कि इस ग्लोबस स्पिरिट्स में, जो कि ये आपका बेवरेज जो है अल्कोहलिक बेवरेज में इस सेक्टर में आती है, जिसके लीडर यूनाइटेड स्पिरिट्स यूनाइटेड बेवरेज है। तो एक छोटी सी कंपनी है, तो इसमें एक पोटेंशियल देखा जा रहा है। तो आपको यदि चाहिए डिटेल नहीं से तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं जो है इसको कंसीडर करूँगा बनाने के लिए वीडियो। एक अदानी ग्रुप के भी काफ़ी स्टॉक ट्रेंडिंग है। अदानी ग्रुप में जो है अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस जो है पिछले 1 महीने में जो है ऑलमोस्ट 70% का गेन दिखाया है। तो ये भी दो स्टॉक है, हालांकि स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन मौका मिलता है तो इस स्टॉक में भी आप अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का ग्रैब कर सकते हैं। तो IPO जो है, ये आपको कुछ स्टॉक्स हो गए। और स्टॉक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स में जो है केम्स भी एक न्यूज़ में है। केम्स भी आज 7% ऊपर जाके क्लोज़ किया है। तो केम्स की जो क्लोजिंग प्राइस है वो आज स्टॉक ने 3816, तो ऑल टाइम हाई पे केम्स ने क्लोज़ किया है। तो ये कुछ दिनों से न्यूज़ में है कि उन्होंने जो है एक गुजरात में एक ऑफिस सेटअप किया है, जो कि स्टेटमेंट है कि द कंपनी विल प्रोवाइड द एसेट मैनेजमेंट सपोर्ट सर्विसेज फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो है एसेट मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसके लिए एक उन्होंने एक ऑफिस का सेटअप किया है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस दोनों ट्विंस कंपनी जो है जोरदार तेज चल रहा है, ठीक है। तो स्काई इज़ द लिमिट, ब्लू स्काई में जो है स्टॉक चल रहा है। तो आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस तो आपके पास होगा, यू विल मस्ट बी फॉर्चुनेट। तो हमने बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजर पर भी वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप जाके देख लें। तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसे बताता है कि स्टॉक जो है और ऊपर जा सकता है। तो आप हैं तो स्टे इन्वेस्टेड, ठीक है। राइड विथ विनर्स और डिच योर लूजर्स, ये स्ट्रेटजी अपनाइए और पैसा बनाइए मार्केट में। बजाज में दोनों स्टॉक बहुत अच्छा है। तो इनका एक न्यूज़ भी चल रहा है कि वो कुछ ऐप आने, दिवाली से पहले एक ऐप आ जाएगा जिसमें सारे डिजिटल जितने भी उनके जो सर्विसेज है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगी। इसके बाद दो IPO जो है कल खुलने वाला है IPO, तो एक विजया डायग्नोस्टिक है और एक एमी ऑर्गेनिक्स करके है, दो IPO है। तो दोनों में आप लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, 5 टर्न्स क्रॉस करता है, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। ये कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, तो मुझे लगता है कि ये सब एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। तो एज ए होमवर्क, तो अभी जो हमने रिसेंट में कुछ वीडियो बनाया है या हमने कोई आपको रिकमेंड किया है, तो कौन सा स्टॉक है जो आपको, जो आपके ट्रेडिंग में हैप्पी लेके आ रहा है, आपको जो है यूज़फुल हो रहा है, आपको पैसा बन रहा है। तो कोई दो स्टॉक जो है आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है, तो वो स्टॉक को आप लिखें, तो हमें इनकरेज मिलता है कि हाँ हमने एनालिसिस शेयर किया, पैसा बना। ये सब जो है सब हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है,
आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता रहा है कि हमारी एनालिसिस आपको हेल्प कर रही है, तो आप वहाँ पर डालिए कि कौन सा स्टॉक आपने आपने देखा या कौन सा एनालिसिस आपको, चाहे निफ्टी निफ्टी बैंक या आपको कोई स्टॉक जो आपको पसंद आया और आपने पैसा बनाया, तो आप ज़रूर उसमें डालें। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में उन्होंने जिन्हें मैं दो स्टॉक बताया था, एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और अफले इंडिया। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, एक पॉज है कि स्टॉक स्ट्रेट लाइन में चलता नहीं है, थोड़ा 10 कदम ऊपर जाता है 3 कदम नीचे आता है, यही इसी पैटर्न में जो स्टॉक चलता है ट्रेंडिंग मार्केट में। तो वो अभी भी अप ट्रेंडिंग है, थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन दिखा रहा है, और अफले इंडिया उन्होंने पैसा बनाया। ऐसा आपके लिए कौन सा सूटेबल है, तो आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप दो स्टॉक बताएं जिससे आपको बेनिफिट हुआ है। चलिए, सो वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा। अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें और हमें इनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।